देवराज, जिन्होंने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ली है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और हर्षवर्धन जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट करें। जगदीश देवड़ा, उनका जो चयन है वो किस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अगर सरकार की बात करें, पिछली सरकार में बतौर वित्त मंत्री थे और एक बड़ा दलित चेहरा भी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना कहे वो सब कर रही है जिसका ढोल नगाड़ा पिछले कुछ समय से राहुल गांधी पीटते हैं। वो कहते रह गए, भारतीय जनता पार्टी करके दिखा देती है, लेकिन इसके बावजूद अब जब वो हमला करेंगे तो उसका जवाब देने के लिए इधर से जो चेहरे आएंगे वो मोहन यादव जैसे होंगे, वो जगदीश देवड़ा जैसे होंगे, वो राजेंद्र शुक्ल जैसे होंगे। और जब इस तरह से आप जिसको कहते हैं ना कि कथनी और करनी, इसका जो अंतर होता है वो दिखेगा कि एक पार्टी सिर्फ कथनी में रह गई, दूसरी जो कहती नहीं है वो भी करके दिखाती है। और मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की किसी तानाशाही से मुख्यमंत्री बने हैं, ये भ्रम सबको निकाल देना चाहिए। ये पूरी तरह से संगठन हर्षवर्धन पर लिया गया निर्णय है, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका। एक सवाल जो है बार बार घूम रहा है, मतलब हर तरफ, कि मध्य प्रदेश में जो सीएम बनाए गए हैं उनके माध्यम से यूपी बिहार की पार्टियों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, आप इससे कितना अग्री करते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर इसको मैं एक रोचक संदर्भ से बताता हूं। अभी एक चित्र बहुत वो चला जिसमें अमित शाह अपनी पोतियों को शतरंज सिखा रहे हैं, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उस पर टिप्पणी की और कहा कि देखिए, अमित शाह को सफेद और सफेद का अंतर नहीं पता, सफेद काला होना चाहिए, जबकि वो अलग अलग सफेद थे। और देखिए, राहुल देव सर भी हमारे साथ है, राजेंद्र शुक्ला, देखिए ये नाम भी निकलकर सामने आया, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी जो कि बीजेपी की तरफ से दिया गया है बतौर डिप्टी सीएम, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। राहुल जी, जो ये चयन है वो अगर हम सियासत के लिहाज से बात करें, क्या आपको सोच यहां पर नजर आ रही है? राहुल जी, जरा एक बार प्रश्न। जो राजेंद्र शुक्ला का चयन हुआ, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी, तो वो बीजेपी की क्या सोच आपको नजर आ रही, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, तमाम जो समीकरण को फिट बैठाया गया इस बार। देखिए, बीजेपी की, जैसा अभी हर्षवर्धन भी कह रहे थे, ये उनकी अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग है जिसमें कोई भी शायद ऐसी जाति और वर्ग नहीं बचेगी जो अपने किसी प्रतिनिधि को सत्ता में, अधिकार में देखेगी नहीं। उसमें हर जगह की स्थिति चूंकि अलग अलग होती है, कंपोजिशन अलग अलग होता, प्रतिशत अलग होते हैं, उसमें प्रमुखता किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो प्रमुख और प्रभावशाली शक्तियां हैं, सामाजिक शक्तियां हैं, आप उनको वर्ग कह लें, जाति कह लें, उन सब के प्रतिनिधि, अच्छे प्रतिनिधि जिन पर उंगली ना उठाई जा सके, जिनका करियर साफ सुथरा रहा हो और जिनके चरित्र के बारे में कोई ज़्यादा अपवाद ना हो, ऐसे लोगों को सामने लाकर और काम करने का मौका देकर, बड़े पद देकर वो प्रयोग भी कर रही है, अपनी अगली पीढ़ी भी नेतृत्व की तैयार कर रही है, और एक पूरे, मैं कहूँगा कि अपनी पार्टी को और राजनीति को भी उसके माध्यम से पुनर्परिभाषित कर रही है बीजेपी। एक बिल्कुल नई तरह के प्रयोग राजनीतिक हम देख रहे हैं तो इन तीनों राज्यों में। इन प्रयोगों में कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए कोई संदेश छुपा है, आप वो देख पा रहे हैं? देखिए, विपक्षी दलों की समस्या है, ये जो नए प्रयोग बीजेपी कर पा रही है उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि उसके पास जोखिम नहीं है, उसके उसके लिए कोई बहुत खतरे नहीं है, खतरे नहीं उठाने पड़ रहे, क्योंकि उसके पास मोदी और शाह के रूप में एक ऐसी जोड़ी है जो उसको नाकामियों के बावजूद सत्ता तक पहुंचा सकती है। ठीक है सर, इसलिए वो अब निर्भर नहीं है अपने प्रादेशिक नेतृत्व पर, इन नए मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों पर। ये अगर नहीं भी काम करेंगे तो उसके पास दूसरे ऐसे तमाम विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सत्ता में लाने की जिम्मेदारी और शक्ति जिन दो लोगों के पास है, जब तक वो बीजेपी के पास हैं वो ऐसे प्रयोग कर सकती है, ऐसे जोखिम उठा सकती है। विपक्ष के पास, उन पार्टियों के पास इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, ये जोखिम लेने की क्षमता नहीं है, जिसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा निर्भर हैं कुछ चुने हुए व्यक्तियों पर, परिवारों पर। वन मैन या वन फैमिली पार्टी ज़्यादा दिखाई देती है, यूपी, बिहार, बंगाल, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, तो वहां तो निर्णय लेने में क्या वाकई में दिक्कत होगी उन लोगों को, क्योंकि निर्णय लेना ज्यादा आसान है, एकीकृत ज्यादा है वो। राहुल सर, चलिए इस तरह आएंगे एक बार फिर से आपके पास और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री
और इसके साथ साथ खुद गृह मंत्री उनके साथ मौजूद है, मुख्यमंत्री मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जिन्होंने शपथ ली है वो मौजूद है। और देखना होगा जैसा शुभम बता रहे थे कि क्या इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भाषण होता है, क्योंकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे जो खुद इनपुट शुभम गुप्ता की तरफ से दिया गया था। अब देखना होगा क्या प्रधानमंत्री यहां पर कुछ बोलते हैं, लेकिन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं। अब यहां से प्रधानमंत्री मंच से आगे जाते हुए और ये तस्वीरें आपके सामने, नीरज मिश्रा मैं आपके पास देखे आ रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मैसेजिंग को लेकर आ रहा है। ये सवाल मेरा आपसे, क्योंकि देखिए जब ज्यादा वक्त नहीं है 2024 के इलेक्शंस को लेकर, 4 से 5 महीने का हार्डली अब जो वक्त है बचा हुआ है, ऐसे में ये जो सोशल इंजीनियरिंग की गई, खासतौर पर जो पिछड़ा और दलित को लेकर बड़ा मैसेज दिया गया और एक बड़ा आधार, एक बड़ी जो राजनीति है वो विपक्ष करता है इस बात को लेकर, कांग्रेस हो या फिर आपका इंडिया अलायंस हो, कैसे आप मुकाबला करेंगे? देखिए तब से मैं आपकी बात सुन रहा था तो मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई की एक लाइन याद आई कि समर्थ के ना दोष गुसाई। आप लोग जिस तरीके से अतिशोक्ति में बात कर रहे हैं 24 को लेके, वो आज की परिस्थिति में जब आपको दिख रहा है कि ये 3 राज्य भाजपा जीती है तो आप उस बात को कह पा रहे हैं, पर 2018 में क्या हुआ था जब 3 राज्य कांग्रेस पार्टी जीती और उसके बाद 19 का रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों को कभी अतिशोक्ति में बात नहीं करनी चाहिए। और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात अब हो रही है, ये दबाव उसी राहुल गांधी का, उसी कांग्रेस पार्टी का दबाव है जिसकी वजह से मैं चाहूंगा नीरज जी, ये जो आपने अतिशोक्ति की बात कही है, हर्षवर्धन जी आप इस पर शायद से कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या वाकई में अतिशोक्ति है ये? मैं सिर्फ जरा तथ्य दुरुस्त करूं, नीरज जी बढ़िया है प्रवक्ता के तौर पर तरक्की करें। 2004 से राहुल गांधी का कुल राजनीतिक करियर शुरू हुआ है और 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल गौर, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मूल रूप से यादव हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। 1991 में कल्याण सिंह को बना दिया था, जब जिन लोगों की पैदाइश शुरू राजनीतिक पैदाइश भी नहीं हुई थी। तो कम से कम बोलते वक्त प्रवक्ता को इतना उत्साही नहीं हो जाना चाहिए कि वो टीवी पर देखते हुए उनकी समझ पर दर्शक सवाल खड़े करने लगे। निश्चित तौर पर ओबीसी कार्ड की राजनीति, जातिवादी राजनीति ये कांग्रेस कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के उन सवालों के जवाब अब जिसको कहते हैं ना तीर पलट कर आ रहा है। अब आप जब ये कहेंगे तो जवाब देने के लिए इधर से वो नेता हैं और विपक्षी पार्टियां अगर ये नहीं समझ पाएंगी तो आप भले कह दें कि पत्रकार अतिशयोक्ति कह रहे हैं या टीवी 9 पे अभी अतिशयोक्ति चल रही है, लेकिन उसका परिणाम आपको 2024 में दिखेगा।